एवरीवन, दिस इज उमा, वेलकम टू आर टू मी। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे बहुत ही छोटू से, बहुत ही प्यारे से कैनवस के ऊपर एक्रेलिक पेंटिंग, जो कि वास्तु के हिसाब से लकी मानी जाती है। यस, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे पास ये छोटा सा कैनवस है विद अ स्टैंड और कह सकते हैं कि ईजल, तो इसको मैं जल्दी से कर रही हूँ अनरैप और इसके ऊपर मैं शुरू करूँगी बहुत ही क्यूट सी पेंटिंग। मैंने पहले भी मिनी कैनवसेस पे बनाई हैं पेंटिंग और इस सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है प्रोसेस, क्योंकि इतना छोटा सा होता है और आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने होते हैं। मैं कहूँगी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बड़े कैनवस पे या बड़े आप बेस पे बना रहे होते हैं तब आपके पास काफ़ी जगह होती है। तो यहाँ पर छोटी सी जगह में ही हम बनाएंगे, देखते हैं कि कैसे ये पेंटिंग बन के तैयार होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स लगाना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है और इसके बाद मैं लेयर टू लेयर इन आपस में इनको ब्लेंड करती जाऊँगी और पेंटिंग को आगे बढ़ाती जाऊँगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये फिशेस बनाई हैं, सर्कुलर मोशन में ये तैर रही हैं। तो ये एक नॉर्मल फिश की पेंटिंग नहीं है, इसको कोई फिश की पेंटिंग कहते हैं। और रिसेंटली मैंने इनके बारे में पढ़ा है और ये पेंटिंग वास्तु के हिसाब से, फैंगशुई के हिसाब से लकी मानी जाती है और इसको कहते हैं कि घर में रखना चाहिए, इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। इसके और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है इस पेंटिंग की, किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, किस तरीके से लगनी चाहिए। और जो ये डिफरेंट कलर्स की कोई फिश जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो हर कलर क्या सिग्निफाई करता है, ये सब कुछ है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि एक पेंटिंग इसकी बनानी चाहिए, पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटे कैनवस पे बनाते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम इसकी एक बड़ी पेंटिंग भी लेटर ऑन बनाएंगे। तो मैं जैसा कि बता रही थी, जो कोई फिश है, कोई फिश की पेंटिंग को बोला जाता है वास्तु के हिसाब से बहुत ही लकी होती है और हमें अपने घर में हैंग करनी चाहिए, लगानी चाहिए। तो कोई फिश जो है ना, वो सिंबलाइज करती है हार्मनी को, प्रोस्पेरिटी को एंड बैलेंस इन योर लाइफ। तो कहा जाता है कि इस तरह की पेंटिंग लगाते हैं तो लाइफ में बहुत लक आता है और आपको बहुत ही ना बैलेंस मिलता है लाइफ में। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि ना, जैसे हम ये पेंटिंग बना रहे हैं तो पेंटिंग को हम कहीं भी ऐसे नहीं रखते हैं। अगर जैसे वास्तु के हिसाब से ये लकी पेंटिंग मानी जाती है, तो इस हर वास्तु से जुड़ी हुई चीज़ों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जहाँ पे उनको रखा जाता है और जहाँ पे रखने से उनका बेस्ट मिलता है, बेनिफिट मिलता है उनका। तो जैसे इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इसको आप घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखें, तो जिससे कि आपके स्टार्स जो हैं वो अलाइन होते हैं। और मतलब मैंने ये सब पढ़ा है, देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा है, तो मैंने जो जो पढ़ा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इस तरीके से होता है, अगर वेस्ट में लगाते हैं तो ये इट सिग्निफाइज द फ्लो ऑफ वेल्थ एंड ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। तो सुनने में तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है ना, तो आई होप ये ऐसा ही हो। और जब हम पेंटिंग बना सकते हैं खुद, तो लगता है कि क्यों खरीदें, तो हम खुद ही बना लें, खुद ही ट्राई करें और एक नई चीज़ ट्राई करें। तो कैनवस पे पेंटिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और एक्रेलिक पेंट्स बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है इजी और बहुत ही फ्रेंडली मीडियम है पेंटिंग का, क्योंकि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लाइट के ऊपर डार्क, डार्क के ऊपर लाइट, आपस में इनकी ब्लेंडिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन, डार्क ब्लू और फिर लाइट ब्लू को मैंने साथ में किया और वो कितने अच्छे से आपस में ब्लेंड हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से कौन सा कलर शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेव्स दूंगी वाइट कलर से, जैसे कि डार्क बेस है उसके ऊपर लाइट कलर का बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत सारे ज्ञान के साथ मैंने आज की ये वीडियो तैयार करी है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी मैं एक्सपर्ट एज एक्सपर्ट नहीं बता रही हूँ, मैंने जो कुछ पढ़ा है बस उसी को शेयर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी हद तक ठीक ही होती है। तो फाइनली पेंटिंग ख़त्म हो गई है, इसको हम कर लेंगे वार्निश का कोट। जब पेंट सूख जाता है उसके बाद ही हम वार्निश का कोट करेंगे, ताकि ये जो पेंट है ये इसी तरीके से फॉर अ लॉन्गर टाइम बना रहे और हमारी पेंटिंग ऐसे ही ब्यूटिफुल सी और ब्राइट सी बनी रहे।
दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, आज का ज्ञान कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिस करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक.